ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत खबरों के सिलसिले में तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों कोरोना संबंधी अज एक हाई लैवल मीटिंग की गई, जहां अधिकारियों के नाल जायजा लिया मुख्यमंत्री सीएम मान ने। मुख्यमंत्री ने कोरोना के नाल नजिठण के लिए तैयारियों संबंधी रिव्यू बैठक की है। जहां सूबे भर च कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। पंजाब सरकार वालों डीसी जिले च कोरोना संबंधी तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम भगवंत मान ने लोगों घरों तो बाहर निकलन पे मास्क पाने की अपील भी की है। सो लगातार ताबड़तोड़ मीटिंगा का दौर भी जारी है। केंद्र वक्रिया मीटिंगा कर रहा है, सूबे आपो अपने पद्धर से तैयारियां कर रहे हैं। सीएम मान भी अज मीटिंग करते विखाई दिते, रिव्यू मीटिंग की उन्होंने की कुछ तैयारियां ने कोरोना नजिठण के लिए। नाल ही उन्होंने लोगों को अपील की कि घर तो बाहर निकलो तो मास्क जरूर पाओ। उधर कोरोना दे चीन च वधे मामलों ते भारत सरकार केंद्र सरकार भी अलर्ट है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने सूबियां दे सेहत मंत्रियों दे नाल अज बैठक की, जहां केंद्र दे नाल मिल के काम करन दी सूबियां नूं ताकीद की गई है। कोविड मैनेजमेंट सेंटर दे लई तैयारियां करन नूं भी सूबियां नूं अपील की गई। सो कुल मिला के केंद्र सरकार भी अलर्ट है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, अज सेहत मंत्री केंद्रीय सेहत मंत्री ने सूबे के सेहत मंत्रियों नाल बैठक की। मीटिंग मगरों पंजाब के सेहत मंत्री जोड़ा माजरा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि सूबे भर च कोरोना के नाल नजिठण के लिए 15,000 बैडा का इंतजाम किया गया। समाजिक इकट्ठ दौरान लोगों को मास्क पाने की अपील की गई है। लोगों को वैक्सीन लाने की भी अपील लगातार की जा रही है। सो कुल मिला के वड्डे पद्धर से हुण तैयारियां विडियां जा रही ने ते मीटिंगा का दौर अज भी जारी रहा। केंद्रीय सेहत मंत्री ने सूबे के सेहत मंत्रियों के नाल बैठक की थी। आज मुख्यमंत्री साहब ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें पंजाब के सभी जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो जायज़ा लेंगे कि कहीं पे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है। और उसके अलावा एक एडवाइजरी में ये भी जारी किया गया कि सार्वजनिक जगह पर जहाँ पे हम जाना चाहते हैं तो थोड़ा मास्क लगा के थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। खुशी गमी कहीं भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे इसका भी वो बोला गया। और एक हम पंजाब में एक कोविड का सारे पंजाब का बनाएंगे, सेल बनाएंगे, जहाँ पे सारी जानकारी जो आती रहेगी। और इसके अलावा हम पंजाब में जो हमारे ऑक्सीजन जो प्लांट हैं उनका हम समय समय पे जो है निरीक्षण करते रहते हैं, वो सभी ठीक चल रहे हैं। और हमारा पंजाब में जो कोविड को लेके हमारी तैयारी पूरी है। 15,000 के आसपास बेड जो हैं प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में लगा के अभी तैयारी है हमारी पंजाब में। अगर जरूरत पड़ी इसको बढ़ाने की तो और बढ़ाएंगे, लेकिन हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। हम अपनी तरफ से पहले से ही हमारी तैयारी है। हम आपकी तरफ से एक और बोलना चाहेंगे, जिन्होंने ये इंजेक्शन लगा लिए वो तो ठीक है, जिसने नहीं लगवाए वो भी इंजेक्शन लगवाएं। और जो बूस्टर डोज है वो भी सभी को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि वो भी जरूर लगवाएं।